क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं तारिक हूं। मैं मोहम्मद भाई। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी बैन न्यू ईयर सेलिब्रेशन बिकॉज ऑफ इजराइल। तो देखते हैं भाई, वर्ल्ड फेयर की वीडियो और अपना रिएक्शन कर देंगे। कौन करते हैं 3-2-1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने ये आर्टिकल बहुत देखे होंगे जहां पर ये लिखा है कि पाकिस्तान ने पूरे देश में ऑल टुगेदर न्यू ईयर सेलिब्रेशंस को बैन कर दिया है। यहां पर आप देख पाएंगे पाकिस्तान विल नॉट सेलिब्रेट द न्यू ईयर। और इसका रीजन ये लोग कह रहे हैं कि इसराइल जो कर रहा है ना गाजा में, ये सब देखते हुए ये पूरे देश में न्यू ईयर सेलिब्रेशन कर देंगे कैंसिल। और इंटरेस्टिंगली ये करने वाला पाकिस्तान अकेला इस्लामिक कंट्री है। ये जो छोटी सी क्लिप है कुछ सेकंड्स की, जहाँ पे इनके केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ये अनाउंस करते हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर फलस्तीन की इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल को सामने रखते हुए और अपने मजलूम फलस्तीनी बहन भाइयों से इजहार यकजहती के लिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नए साल के हवाले से किसी भी किस्म की तकरीब के इनेकाद पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इस मौके पर मैं तमाम पाकिस्तानियों से भी ये गुजारिश करता हूँ कि वो गज़ा के मज़लूम अवाम के साथ यकजहती का मुजाहरा करें और नए साल के आगाज़ पर सादगी को मलहूज़ ख़ातिर रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन। पाकिस्तान पाइंदाबाद। नाउ इंटरेस्टिंगली जो स्टांस पाकिस्तान का है ना, किसी भी और इस्लामिक कंट्री का नहीं है। हाँ, आपको एक ऐसे आर्टिकल लिख जाएंगे जहाँ पर यह लिखा है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, देखो UAE, यहाँ पर आप देख पाओगे ये है UAE। UAE बेसिकली बहुत सारे अमीरात से मिलके बना है, जैसे कि दुबई, अबू धाबी, शारजा। तो शारजा जहाँ पर पाकिस्तान ओरिजिन की काफ़ी सारी पॉपुलेशन है, वहाँ पर भी जो फायरवर्क्स है ना, सिर्फ उनको बैन किया गया है न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए, सिर्फ शारजा में। वैसे ओवरऑल यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, अबू धाबी, दुबई वगैरह, वहाँ पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन को बैन बिल्कुल नहीं किया गया है। बस एक इनका जो आप कह लो, जो इनकी एक सिटी है शारजा, वहाँ पर फायरवर्क्स नहीं दिखेंगे। बाकी उसके अलावा कोई भी इस्लामिक कंट्री नहीं है जिसने ऑल टुगेदर खुद पर ही न्यू ईयर सेलिब्रेशन बैन एक इम्पोज कर दिया हो। इंटरेस्टिंगली मैं देख रहा था कि टर्की भी ऐसा कुछ भी प्लान नहीं कर रहा। आई मीन टर्की में जो रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्ट्री है, वहां के मिनिस्टर्स ने अपने लोगों को यह कहा है कि न्यू ईयर को डिसोन कर दो, बट इसका रीजन ये कुछ और बता रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि ये क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है और बहुत सारे जो यहाँ पे सेलिब्रेशंस होते हैं दे आर नॉट पार्ट ऑफ टर्किश कल्चर। गाजा का यहाँ पर कुछ रीजन बताया नहीं है, ना लोगों को ये फोर्स कर रहे हैं ऑल टुगेदर कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन आपको नहीं करने। उल्टा आप अगर देखोगे तो टर्की बिल्कुल तैयार है एक ग्रैंड न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए। यहाँ पे आप देख पाओगे टर्की गियर्स अप फॉर न्यू ईयर ई फेस्टिविटीज, क्योंकि बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज हैं जो टूरिज्म पर डिपेंड करते हैं, उनके लिए न्यू ईयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है टूरिज्म जनरेट करने का। फॉर एग्जांपल टर्की हो गया यहाँ पे, उसके अलावा इवन UAE आप कह सकते हैं, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, कुछ हद तक यहाँ पे आप कुवैत को भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सब कंट्रीज अपनी इकोनॉमी को एक बड़ा झटका नहीं देने वाली बिकॉज ऑफ द इसराइल हमास वॉर। बट एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना होगा कि गाजा में आज के समय हो क्या रहा है। देखिए टोटल डेथ टोल जो बताया जा रहा है गाजा में है, ये 21,500 के ऊपर जा चुका है। 21,500 लोग माने जा चुके हैं गाजा में पिछले 2 महीनों में। और रिसेंटली इसराइल ने यह कहा है कि जो ये इनका ऑपरेशन है ना गाजा में, ये तो अभी कई महीनों चलेगा। तो आप मान के चल लीजिए 5, 6, 7, 10 महीने, वी डोंट रियली नो व्हेन इट विल एंड। और जितनी ये वॉर आगे बढ़ेगी ना, उतना इंडिया के लिए मुश्किल होगा कि इसराइल के अगेंस्ट हमको ज़रा बोले ना, क्योंकि इवेंचुअली देखिए बहुत सारे ब्रिक्स कंट्रीज, एक्चुअली ऑलमोस्ट सारे ब्रिक्स कंट्रीज ही इसराइल के अगेंस्ट बोलेंगे, डिक्लेरेशंस निकलेंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने जो ये न्यू ईयर सेलिब्रेशन है ये बैन किया है, ये कहकर कि देखिए जेनोसाइड हो रहा है ऑफ अनआर्म्ड पैलेस्टीनियंस इन गाजा इन वेस्ट बैंक। इंटरेस्टिंगली साउथ अफ्रीका एक इस्लामिक कंट्री नहीं है, साउथ अफ्रीका OIC का मेंबर नहीं है, बट साउथ अफ्रीका ने भी रिसेंटली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक केस फाइल किया है अगेंस्ट इसराइल, और इसराइल पे आरोप लगाया है कि ये लोग आज के समय मास जेनोसाइड कर रहे हैं इन गाजा। तो इवन दो पाकिस्तान का ये वाला स्टेप थोड़ा सा आपको अभी अगर ओवर द टॉप लग रहा है, मैं आपको ये बता दूं बहुत सारी कंट्रीज में ना आज के समय इस बात को लेकर बहुत अनइजीनेस है जिस तरीके से इसराइल लगातार गाजा पे बॉम्बिंग कर रहा है। हाँ, यहाँ पर मैं ये ऐड कर दूं कि साउथ अफ्रीका समेत जितने भी कंट्रीज इसराइल पर केस कर दे जेनोसाइड का, सिंस इसराइल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को नहीं मानता, उसकी ज्यूरिसडिक्शन को नहीं मानता,
इसका कुछ ज्यादा इम्पैक्ट होगा नहीं। बाय द वे, वैसे मैं आपको ये बता दूं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है और ये डायरेक्टली यूएन के अंडर आता है। ये आपको मिलेगा द नेदरलैंड्स कंट्री में। और अभी भी मैं ये बात नोट कर पा रहा हूँ कि इवन दो साउथ अफ्रीका ने अपनी तरफ से ये केस रजिस्टर किया है इसराइल के ऊपर, सिर्फ पिछले 24 घंटों में अगर हम देखें तो इसराइल ने 200 लोगों को मार दिया है गाजा में, और साथ ही साथ हमास का जो पूरा टनल कॉम्प्लेक्स है इसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। और अभी तो देखिए ये जो कॉन्फ्लिक्ट है और ज़रा फैल सकती है, क्योंकि इसराइल ने रिसेंटली ये भी कहा है कि टाइम लगातार ख़त्म हो रहा है एक डिप्लोमेटिक सोल्यूशन ढूंढने का इन लेबनान। यहाँ पे आप देख पाओगे हिजबुल्ला की ये बात कर रहे हैं। अगर हम इसराइल का मैप देखें, इसराइल गाजा पर तो बॉम्बिंग कर रहा है मगर इसराइल के नॉर्थ में जो लेबनान है ना, उनके साथ भी इनके बहुत ज़्यादा खराब रिलेशंस हैं। एक्चुअली पूरे कंट्री लेबनान के साथ नहीं, लेबनान में जो एक मिलिटेंट संगठन है हिजबुल्ला, उसके साथ इसराइल के बहुत ज़्यादा खराब रिलेशंस हैं। तो हिजबुल्ला और इसराइल के बीच में भी हो सकता है इन द फ्यूचर एक स्मॉल स्केल वॉर होती हुई दिखे। तो सिचुएशन देखिए काफ़ी ख़राब होने वाली है। और आप देखोगे एक एक करके ग्लोबल साउथ में, ग्लोबल साउथ की जहाँ पे हम बात करते हैं इसमें पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, उसके अलावा यहाँ पे आसियान कंट्रीज़ और वेरियस अफ्रीकन कंट्रीज़ ये सब आते हैं। ग्लोबल साउथ के बहुत सारे देश इसराइल के अगेंस्ट ओपनली बोलना स्टार्ट कर देंगे किसी ना किसी फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट के अंडर। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को किस साल में बनाया गया था। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 1990, 1945, 2003 या फिर 2015। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर जो लोग देंगे, कोशिश करूंगा मैं कि उनकी कमेंट को हार दे दूं ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय, ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलें जी, वीडियो खत्म हो गए भाई साहब। चलो दुख वाला तो नो डाउट के दुख तो होता ही है भाई साहब, जहाँ पर इतनी 21,000 लोग इधर से मरे हैं और इसराइल की तरफ से भी तो मरे होंगे, चलो 400-500 तो मरे ही होंगे, ज्यादा नहीं, जितने भी हैं वो भी तो बेगुनाह ही मारे हैं, तो बेगुनाह मर रहे हैं भाई साहब, वो कौन सी जान ला रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि ये अगर पाकिस्तान इस हैप्पी न्यू ईयर देखा जाए तो मुस्लिम वैसे भी बहुत कम मनाते हैं, पहले भी तकरीब मनाते हैं लेकिन कुछ मनाते हैं कुछ नहीं मनाते, कम 50-50 कर लो। और भाई ये न्यू ईयर तो देखा जाए तो साफ जाहिर है भाई साहब क्रिश्चियन का एक त्यौहार, क्रिश्चियन के लिए होता है त्यौहार जी, तो ये ज्यादा खुशी का दिन तो उनके लिए बनता है। और मैं कहता हूँ कि इस ये ऐसा ऐलान करने से जो नॉन मुस्लिम है उनकी खुशियों पे एक किस्म की पाबंदी लगाने वाली बात है। हाँ, ये नहीं, लेकिन वो भी नॉन मुस्लिम भी तो देख रहे हैं इतना बड़ा जुल्म हुआ है इसके ऊपर, ये अफसोस की वजह से इसको मतलब रद्द किया गया है, और कुछ भी पहले मनाते नहीं है। चलो इस दफा ईद भी मत मनाना, कहना भाई हम ईद भी नहीं मनाएंगे, तो इसी तरह ईद तो पड़नी है लेकिन खुशियां नहीं होंगी, देख लेना ईद तो पढ़नी है, वो तो सुनते इब्राहिमी है वो तो पढ़नी है ना, पढ़नी है, लेकिन ये नहीं भी जितना चुनली पटाखे या जो जश्न मनाया जाता है इस तरह नहीं होगा। हाँ, अगर ये रुक गई तारक यार, आप देखो ना दुनिया कुछ नहीं कर रही इसके लिए, सारी दुनिया के इदारा बनाया हुआ है वो जी, उसमें आवाजें से कुछ नहीं, यूनाइटेड स्टेट में जाओ जी, यूएन में जाओ जी, ये करो, उसकी कोई इंसानियत का मजाक उड़ाया जा रहा है ना। अगर अमेरिका इंसानियत की कदर करता होता तो यहाँ पे आवाज उठाता, जैसे ईरान, रशिया या इधर कई और कंट्रियों पे उन्होंने बैन किया हुआ, इसको भी बैन करते हैं इसराइल को, आप इंसानियत का कत्ल कर रहे हो, उधर तो ना इंडिया आवाज उठा रहा ना अमेरिका आवाज उठा रहा ना यूरोप आवाज उठा रहा, ना लगाए बिल्कुल जंग बंद तो हो जाए ना, ये जो आम मासूम लोग मर रहे हैं वो मरने से, ये रशिया यूक्रेन की जंग बंद नहीं करवा सकता अक्वामे मुत्तहिदा वाले, तो ये क्या करेंगे। नहीं चलो आवाज जंग बंद नहीं करवा सकता, लेकिन उस वक्त यूरोप से या अमेरिका कितना इंडिया पे प्रेशर डालते रहे कि आप एक बार रशिया के खिलाफ बोल दो, एक बार रशिया के खिलाफ बोल दो, आप अमेरिका के खिलाफ बोल दें, अब कोई आवाज नहीं उठती अमेरिका और दूसरे इजराइल के खिलाफ, बिल्कुल अगर कोई कंट्री बोलता है तो उसके भी मुंह बंद करवा दिए जाए भाई, इजराइल अमेरिका के खिलाफ यूरोप वोट के बोलना चाहिए।
आवाज इंसानों की कर बोलने को आवाज उठानी चाहिए, किसी कंट्री की आवाजें उठ रही हैं, वो खुद फंडिंग कर रहे हैं भाई उनको, मारो। तो ये कोई पार्लियामेंट नहीं है, ये कोई कुछ भी नहीं है, कोई अक़वामे मुत्तहिदा नहीं है, ये बातें करने के अलावा कोई अक़वामे मुत्तहिदा नाम की चीज है बस। सही बात है, और इसके अलावा इसका कोई हाल नहीं है। वो जैसे पाकिस्तान में सदर रखा हुआ है ना इन्होंने, सदर आरिफ अली बैठा है, नवाज शरीफ को वापस हमारा इदारा लेके आया प्रोटोकॉल के साथ, वो ही सदर आरिफ अलवी के पास, वो इलेक्शन कमीशन जो कहता था कौन होता है उसके पास खुद चल के गया है, जाके कहा कि सदर पाकिस्तान साहब काबले इत्राम काबले इज्जत हो, इलेक्शन की डेट मैंने अनाउंस की है, मेरे साथ बोलो और साइन भी करके दो, 8 फरवरी को इलेक्शन है। बात अच्छा भाई, यहाँ पे ना ये बात है कि जहाँ पर आ जाते ना अपने मुफाद, ये जियोपॉलिटिक्स ऐसी कुत्ती चीज है ना भाई कि ये इंसानियत वहाँ पर दम तोड़ जाती है। बिल्कुल, आप देख रहे हैं ह्यूमन राइट्स की बात होती है ना, तो किसी भी कंट्री को उस कंट्री से अगर मुफाद है तो वहाँ पर वो खामोश हो जाता है, अगर चाइना मुगर मुस्लिम की बात होती है तो वहाँ पर पाकिस्तान खामोश हो जाता है, तो सांप सूंघ जाता है, और जहाँ पर पाकिस्तान में अगर कहीं पर जुल्म हो रहा है तो वहाँ पर चाइना को सांप सूंघ जाता है या दूसरे कंट्री जिसके मुफाद होते हैं कंट्री के साथ, ऐसी बात वहाँ पर भाई साहब वो खामोशी चुप्पी इख्तियार हो जाती है। तो भाई इंसानियत इंसानियत किसी के लिए कोई माने नहीं, लेकिन यहाँ पर अपने जाती मुफाद जो कंट्रियों के वही माने रखते हैं, बाकी कोई बंदा बोले ना कि भाई मैं इंसानियत के लिए ये कर रहा हूँ, सवाल ही नहीं पैदा, सवाल पैदा होता ही नहीं, ये तो करता भी है तो वो सिर्फ दिखावा और प्रोपेगेंडा गलत है, आना जहरीयत हो रही है भाई इंसानियत का खुल्लम खुल्ला। वैसे तो इंडिया के अंदर भी बड़ी आवाजें पार्लियामेंट में अक्सर सुनता रहता हूँ, ये कहा जाता है उनके खड़े हो जाते हैं जी, जवान भी खड़े होते हैं, बुजुर्ग भी खड़े हो जाते हैं, जहाँ भी जुल्म हो रहा है ये पाकिस्तानी करवा रहे हैं, दहशतगर्दी फैला रहे हैं, इनके खिलाफ ये इंसानियत का कत्ल, इसके खिलाफ हम खड़े हैं, हम जद्दोजहद करेंगे, चलो मान लिया पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को हवा दी, पाकिस्तान ने ये किया वो किया, वक्त गुजर गया, अब जो आंखों के सामने हो रहा है हमास के साथ, उसने इंडिया ने इंडिया ने वोट का कोई फायदा नहीं, इंडिया खड़ा होकर फायदा है ना, वो खड़ा होकर ये कहे असेंबली के अंदर अमित शाह जो गला फाड़ के बातें करता है असेंबली में, वो आप भी गला फाड़ के कहे इसराइल जुल्म कर रहा है हमास के साथ, वो उनका काम और उनको आवाज मेरे साथ मेरा पूरा मुल्क उठे, मेरा प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को मैं कहता हूँ आप आवाज जात उठाए, इंसानियत की खातर खड़े हो आप, उधर तो कोई बंदा नहीं आवाज उठा रहा, ना अमित शाह ना मोदी ना योगी, कोई भी नहीं उठा रहा, तो पाकिस्तान हाँ चल ये एक मिनट के लिए मान ले, ये ही बंदे जो 21,000 मर गए बेगुनाह मारे गए, मिसाल के तौर पे ये जंग लागी पाकिस्तान और इंडिया की लागी, बेगुनाह 21,000 बंदा मर गया इंडिया के अंदर, फर्क की इंडिया के अंदर मर गए, तो क्या अमेरिका नहीं आवाज उठानी थी, पाबंदियां नहीं पाकिस्तान की लगनी थी, क्या दूसरी कंट्रियां ना कहती ये यूरोप ये सारे तो क्या कह रहा था, देखो इंडिया के अंदर बेगुनाहों को मारा गया यार, पाकिस्तान तो दहशतगर्दी फैलाता है करता है दहशतगर्दी, ऐसी बात है ऐसी, तो अब क्यों नहीं उठते ये सब, उनकी अपनी बारी और पावर उनके हाथ में, और पावर अब तो कोई नहीं बोला, ना तो इंडिया कहता अमेरिका हमारे सामने टिक नहीं सकता, अमेरिका कुछ भी नहीं, सच बात तो ये, आप तो अब उठाओ ना बात इंसानियत की खातिर, पाकिस्तान की खातिर नहीं उठाना, ये तो आपकी दुश्मन कंट्री है उनकी खातर तो था ना, पेड भेजा है खाने पीने के लिए दवाइयां भेजी यार, वो तो मिस्र दुनिया के सबसे पहले मिस्र ने भेजा ट्रकों के साथ, तो फिर वो जितना उनका वो रशिया भी भेज रहा है, अब वो हथियार लड़ने के लिए थोड़ी देगा एक दहशतगर्द को, क्यों अमेरिका दे सकता है तो वो इनको नहीं दे सकते इंडिया भी, वो भाई साहब यार मकसद हथियार देने का तारक नहीं है, यहाँ पर जंग बंद होने की हो रही है, जंग बंदी उस वक्त हथियार नहीं हो जंग और भड़केगी ना, ऐसे जंग बंदी नहीं हो सकती जब तक वो कंट्री खुद ना चाहे तो, ये भी मेरी बात लिख ले, कंट्री ने बोला है पत्थर की लकीर है मेरी बात लिख ले, ये इसराइल हयात के लिए इसको नुकसान होगा, तू कहता है ना ये जल्दी से ग्रो कर जाएगा, तू कहता है इसका मुसलमान कंट्री उठेंगे नहीं, आप जो है ना ओमान उसकी स्टेटमेंट देख रहे रात की, उसका जो भी सदर के जो बनते हैं उसके अरबियों के जो चौधरी है उसके स्टेटमेंट रात की देख, इसके खिलाफ आवाज उसने उठाई है, साउथ अफ्रीका ने रात को उनका सदर भी उसने भी आवाज उनके खिलाफ उठाई है, यमन और लेबनान भी उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं, जॉर्डन भी उनके खिलाफ कर रहा है, यमन और ईरान तो उनका नुकसान भी कर रहे हैं,
आस्ता आस्ता कदम पर कदम उठ रहे हैं, जैसे कहते हैं कतरे कतरे से दरिया होता है। अच्छा, जब वो खत्म हो जाएगा और खत्म हो जाएगा सब उठ रहे हैं, अब इसराइल खत्म हो रहा है। हाँ जी, ये तुझे इंडिया नहीं दिखाएगा, तुझे कोई रिपोर्ट नहीं आएगी। मैं तुझे मैं रिपोर्ट दिखाने के लिए मैं तुझे इसराइल के अंदर इसराइल की एंकर की वीडियो दिखा सकता हूँ कि वो अवाम इसराइल की क्या लफ्ज बोल रही है। अवाम तो भाई भड़की हुई है, वो अवाम कह रही है नेतन्याहू हमारी जानों का दुश्मन है, नेतन्याहू ने हमारे बेगुनाह बच्चों को इन मुजाहिद दहशत गर्दों से मरवा रहा है। वो कह रहे हैं मुजाहिदों को, उनकी अवाम कह रही है दहशत गर्द। वो तो भाई साफ जाहिर है, जो उन्होंने बंदी बना रखे हमास वालों ने, हमास जो मुजाहिद है ना उनको कह रहे दहशत गर्द, जो दहशत गर्द वो हमारे बच्चों बुजुर्गों को मार रहे होते कह रही है मत करे। तो वो जो इसराइल के फौजी दहशत गर्द है वो जो मार रहे वो दहशत गर्द उनको तो बोल सकता है दहशत गर्द, वो दहशत गर्द नहीं है। अगर वो ही इसराइल की फौज मारे बेगुनाह बुजुर्गों बच्चों को हॉस्पिटल को तबाह कर दिया वो दहशतगर्दी नहीं है। अजीब बात है भाई, क्या बात है। अच्छा, दूसरे कंट्री ने किसी मुस्लिम कंट्री ने इस पे कोई पाबंदी नहीं लगाई कि आपने न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर जो है वो मनाना है या नहीं मनाना। चलो मनाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सिर्फ दुनिया के लिए एक मैसेज है भाई, हम अफसोस की वजह से वो जो बेगुनाह मारे गए हैं लोगों की जान जा रही है। अगर वो मुजाहिद मारे गए होते ना सारे के सारे जितने भी लड़ रहे उनके लिए ये दिन नहीं रुकना था, फिर ये सेलिब्रेट होना था। वो मारे गए बेगुनाह, जो जंग न लड़ रहे हैं न लड़ाना चाहते हैं वो मारे गए उनके लिए बोला गया सिर्फ। सही बात है, सिविलियन की। चलो ठीक है, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्या इस तरह के कोई अगर वाकया होता है तो त्यौहार जो होते हैं किसी हो सकता है, क्योंकि भाई इस्लामी कंट्री है पाकिस्तान। चलो इस्लाम को सही से फॉलो नहीं करता वो अलग बात है, लेकिन ये आवाज तो उठाई हुई है जो है वो क्रिश्चियन का माना जाता है कि त्यौहार है, तो क्या इस तरह के दूसरे के त्यौहारों के ऊपर पाबंदी लगाना चाहिए या नहीं। तो अपनी राय जरूर तक कमेंट सेक्शन में, मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।